दिल्ली में बुराड़ी से विधायक संजीव झा कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं और बुराड़ी नत्थुपुरा के लोग एक सप्ताह से पीने के पानी को तरस रहे हैं। अब पानी की शिकायत स्थानीय विधायक को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद भूखे प्यासे रहकर अनशन पर बैठे हैं और अब ऐसा लगता है कि जनता भी बिना पानी के अनशन पर ही है क्योंकि गरीब लोग खरीद कर पानी पी नहीं सकते, मजबूरन जमीनी पानी पी रहे हैं जो कि हानिकारक है। जमीनी पानी पीने से लोग यहां पर बीमार पड़ रहे हैं। आज नत्थुपुरा बुद्ध बाजार में स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग खाली बर्तन लेकर गलियों में आकर सरकार को कोस रहे हैं। पानी का क्या, 2 महीने से समस्या हो रही है, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, कभी बीच बीच में आ जा रहा है तो गंदा पानी आता है बिल्कुल नाले जैसा कभी, और अभी तो 15 दिन से बिल्कुल ही बंद है पानी। वजह ये है कि अब पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ खारा पानी पी पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं, पर किसी को क्या परवाह। वो लोग को कागजी कार्रवाई देते हैं तो कंप्लेन आकर के मेरे घर में खुद आकर के कहा है कि किसने कंप्लेन किया है, कंप्लेन तो करेंगे, हम लोग का हक है ये कंप्लेन करने का, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे। पिछले 2-2.5 महीने से तो पानी बिल्कुल बंद हो गया है नत्थुपुरा में, 1 मिनट के लिए भी पानी नहीं आ रहा, एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा हाहाकार मचा पड़ा है। विधायक जी को कई बार कंप्लेंट दिए है, लोगों ने पब्लिक जा के एप्लीकेशन दिए हैं, उनको लिखित में भी दिया है, वैसे वर्बली बोला है, लेकिन वो आश्वासन दे देते हैं, ठीक है दिखवाते हैं क्या है, लाइन पे काम चल रहा है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, कोई ठोस कदम नहीं हुआ, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल बुराड़ी एरिया में अभी तक जल बोर्ड के पानी की सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट।